ये किस्सा मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था। उनके साथ एक बार काफी अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ था। बात है 1960s की। मेरे दादाजी मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में रहा करते थे। वो पेशे से टीचर थे। उस समय ज्यादातर लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था और उस गांव में मेरे दादाजी ही थोड़े पढ़े लिखे थे, तो अगर गांव में किसी को भी चिट्ठी आती हो तो वो सीधा भागते हुए मेरे दादाजी के पास ही आते थे। उस गांव में सारे घर मिट्टी के बने हुए थे। वो काफी छोटा गांव था। मेरे दादाजी के घर के सामने कुछ दूर पर एक और घर था जिसका दरवाजा ज्यादातर बंद ही रहा करता था। उस घर में एक विधवा औरत रहा करती थी जो उस गांव में किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। गांव वाले भी उससे दूर ही रहा करते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि वो औरत जादू टोना करती है, और ये बात सही भी थी क्योंकि मेरे दादाजी ने कई बार देर रात को उस घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। और जैसे कि आजकल भी कई जगह ऐसा माना जाता है कि अगर कोई अमावस की रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच पैदा होता है तो उन पर बुरी आत्माओं का साया जल्दी पड़ता है, और वो विधवा औरत भी अमावस की रात ही पैदा हुई थी। गांव वाले उस औरत से डरते थे क्योंकि हर अमावस की रात उसके घर से अजीब अजीब आवाजें और चीखें सुनाई दिया करती थी। वो आवाज किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि उन दरवाजों के पीछे आखिर क्या हो रहा होता था, और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उस घर में जाकर पता करे। उस गांव के लोगों ने अब उस आवाज और चीखों के साथ रहना सीख लिया था। शाम के 6 बजते ही लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते थे, और जब तक कोई जरूरी काम ना हो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर एक रात जब पूरे गांव में रात का सन्नाटा छा रहा था, उस सन्नाटे को चीरते हुए कई चीखें उस घर से आने लगी, पर इस बार वो चीखें बाकी दिनों से अलग थी। उस चीख में दो आवाजें थी, एक औरत की और एक आदमी की। उन चीखों के साथ कई और डरावनी आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई किसी शैतानी भाषा में कुछ बोल रहा हो, और साथ ही साथ किसी के दम घुटने की आवाज भी उन आवाजों में सुनाई पड़ रही थी। मेरे दादाजी ने कुछ गांव वालों को जमा कर उन चीखों का राज पता करने का ठान लिया। वो सब दादाजी के घर के सामने अपने हाथों में जलती मशाले लिए हिम्मत जुटा कर खड़े थे। उस समय लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो पूरे गांव में अंधेरा था। बस मेरे दादाजी के घर के सामने उन मशालों की रोशनी दिखाई पड़ रही थी। वो सब धीरे धीरे उस विधवा औरत के घर की ओर जाने लगे। अब वो चीखने की आवाजें और तेज हो चुकी थी। सभी गांव वाले वो आवाज सुनकर बहुत बुरी तरह डर गए, पर मेरे दादाजी ने ठान रखा था कि आज वो पता लगा कर रहेंगे कि उस घर के अंदर क्या हो रहा है। वो आगे बढ़े और उसके दरवाजे पर जोर जोर से किक्स मार कर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। उस समय दरवाजे काफी कमजोर हुआ करते थे और वो घर भी काफी पुराना और मिट्टी से बना हुआ था, तो कुछ किक्स के बाद ही वो दरवाजा एक जोरों की आवाज से टूट गया, और जैसे ही वो दरवाजा खुला वो सारी चीखें और आवाजें एकदम से बंद हो गई। एकदम से सारी ओर मौत सा सन्नाटा छा गया। हर किसी की धड़कन की आवाज वो लोग उस सन्नाटे में सुन पा रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उस घर के अंदर जाए और पता करे कि अंदर क्या हो रहा था। मेरे दादाजी भी काफी डरे हुए थे, पर किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में वो जलती मशाल लिए उस घर के अंदर चले गए। पूरे घर में घना अंधेरा छाया हुआ था। उस मशाल की रोशनी में दादाजी बस अपने एक कदम की दूरी तक ही देख पा रहे थे। वो छोटे छोटे कदम लिए घर के अंदर तक जा रहे थे। उन्होंने कुछ ही कदम लिए थे कि उन्हें
एक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर हड्डियों के साथ कोई मांस खा रहा हो। वो आवाज सुनकर दादाजी मानो वही जम गए। दादाजी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मशाल जिस ओर से वो आवाज आ रही थी उस ओर ले जाने लगे, और उन्होंने जो देखा वो देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के एक कोने में दीवार की ओर मुंह कर कर खून से भरे उसके कपड़े पहने वो बैठी हुई थी। उसके बिखरे बाल और उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने कई दिनों से पानी को हाथ तक नहीं लगाया हो। उसके शरीर से मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। उसके आसपास की जगह इतनी गंदी थी कि कोई जानवर भी उसके करीब न जाए। वो अपने हाथ में एक मरा हुआ चूहा लिए उसे कच्चा ही खा रही थी। उस चूहे का खून और उसकी अतड़ियां यहां वहां गिर रही थी। अचानक से वो रुकी और धीरे से उसने अपना मुंह दादाजी की ओर किया। अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी संडे से पहले चाहिए तो अभी जल्द से जल्द लाइक कीजिए। एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।